Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant and a career counselor. सबसे पहले मैं आपको ये request करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है और नीचे दिए हुए bell icon पर नहीं hit किया है, तो please आप हमारे इस channel को subscribe कीजिए और नीचे दिए हुए bell icon पर भी hit कीजिए, ताकि overseas education से linked कोई भी latest information अगर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को पोलैंड में जाके क्यों पढ़ाई करनी चाहिए। सो एग्जैक्ट रीजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और आपको मैं अलग अलग पॉइंट्स में ये बताऊंगा कि पोलैंड एक अच्छी डेस्टिनेशन क्यों है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पोलैंड की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बहुत हाई है और यहाँ पे बहुत डाइवर्स टाइप ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, मतलब जो प्रोग्राम्स है वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, बैचलर्स प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं और सेम टाइम पे मास्टर्स प्रोग्राम, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, अलग अलग टाइप के जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं। चाहे आप साइंस स्ट्रीम की बात करें, चाहे आर्ट्स की बात करें, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे आप म्यूज़िक की बात करें, हर तरह की फील्ड के प्रोग्राम्स पोलैंड में अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे रिसर्च की और टीचिंग की क्वालिटी की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। ये एक और रीज़न है कि यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डॉक्टरेट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, जिसके चलते यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पीएचडी और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करने के लिए आते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें जो कि हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हैं, तो वो पूरे यूरोप में नंबर 4th पे आता है पोलैंड उसके लिए। एंड पोलैंड एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन मानी जाती है लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो है पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पोलैंड में जाके पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को पर वीक 20 आवर्स काम करने के लिए परमिशन देती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, स्टडी वीज़ा होता है पोलैंड का, वो यूरोपियन यूनियन का वीज़ा होता है, शेंगेन वीज़ा होता है, विच मीन्स कि स्टूडेंट पोलैंड में पढ़ते हुए पूरे यूरोपियन यूनियन में पूरे शेंगेन कंट्रीज़ जितनी भी हैं अलग अलग, जैसे जर्मनी, एम्स्टरडैम, इटली, कहीं पर भी वो ट्रैवल कर सकते हैं और कहीं पर भी वो घूम फिर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन पोस्ट स्टडी वीज़ा की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। वंस अ स्टूडेंट इज़ डन विद हिज और हर एजुकेशन, he or she is eligible to stay back in Poland for 6 more months, जिसमें वो वहाँ पे रह के अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। और पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो पोलैंड की जो कॉस्ट ऑफ स्टडी है, जो फी है यूनिवर्सिटीज़ की, इंस्टीट्यूशंस की, वो बहुत ही लो है। लो का ये मतलब नहीं है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में लो है, लो का ये मतलब है कि वहाँ की जो फीस है इनफैक्ट इंडिया से भी कंपेरेबल है। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज़ फॉर एजुकेशन, रादर आई वुड से हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी पुरानी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की भी बात करें तो पोलैंड इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप टेंटेटिवली आप मान के चल सकते हैं कि पर मंथ एक स्टूडेंट जो है 300 से लेकर 400 यूरोज में अपना लिविंग एक्सपेंसिस मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें विद इन द सिटी, बसेस की, मेट्रो ट्रेन्स की और जो अलग अलग सर्विसेज वहाँ अवेलेबल है उसकी बात भी करें तो वो भी बहुत चीप है, बहुत इकोनॉमिकल है, विच हेल्प्स आर स्टूडेंट्स अलॉट। पोलैंड में वहाँ के इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल एज वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ एम्पल हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनफैक्ट जब स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं तब भी उनके पास इंटर्नशिप लेने की अपॉर्चुनिटी होती है। एंड अगर हम लोग वहाँ के एल्यूमिनाई के सक्सेस रेट की बात करें तो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास आउट इन पोलैंड गेट एम्प्लॉयड ओवर देयर। एंड वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी से टाइप्स भी होता है, जिसके चलते वो अपने स्टूडेंट्स को आराम से वहाँ प्लेस कर पाते हैं। नॉट जस्ट प्लेसमेंट बट करियर एम्प्लॉयबिलिटी सर्विसेज में भी पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस काफ़ी हेल्पफुल है और आगे हैं। वॉट एग्जैक्टली आई मीन बाई करियर एम्प्लॉयबिलिटी सर्विसेज इज़ कि अपने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, एप्लीकेशन कैसे करनी है ताकि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आए उसके लिए प्रिपेयर करना, एंड उनकी बायोडेटा पे, CV पे काम कराना ताकि उनकी प्रोफाइल ल्यूक्रेटिव बन सके और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सके। ये सारी सर्विसेज भी जनरली वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराती हैं।
तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप किसी और कंट्री में या पोलैंड में जाके पढ़ना चाहते हैं और एप्लीकेशन करना चाहते हैं, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप हम लोगों को सिर्फ ऑफिस आवर्स में कॉन्टैक्ट करें, मंडे से लेकर सैटरडे 10 AM से 7 PM। विल मेक श्योर दैट आवर टीम गेट्स बैक टू यू और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग।